IID, Institute for Industrial Development, हमारे aspiring entrepreneurs के लिए लेकर आया है बायोगैस प्लांट पर एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसकी मदद से आप जान पाएंगे इस व्यवसाय के बारे में। गोबर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के साथ साथ सीएनजी भी बनाई जाती है। ये वैसे ही काम करती है जैसे हमारे घरों में काम आने वाली एलपीजी, लेकिन ये उससे काफी सस्ती पड़ती है। बायो सीएनजी को गाय भैंस समेत दूसरे पक्षियों के गोबर से बनाया जाता है। ये प्लांट गोबर गैस से जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है, लेकिन बायोगैस सीएनजी बनाने के लिए आपको अलग से मशीन लगाने की आवश्यकता होती है, जिसमें थोड़ी लागत तो आती है, लेकिन ये आज के समय को देखते हुए बड़ा और कमाई देने वाला कारोबार है। चलिए जानते हैं बायोगैस प्लांट के बारे में। प्लांट एंड मशीन्स, रोडवे ब्रिज फॉर बेथ, स्लरी प्रिपरेशन टैंक, डाइजेस्टर विद डबल मेम्ब्रेन रूफ टॉप एंड फोर सबमर्सिबल एजिटेटर्स, एजिटेटर्स एंड पंप्स, प्यूरिफिकेशन सिस्टम, मिथेन कंप्रेसर, रिसीवर, गैस स्टोरेज टैंक, ओवरफ्लो टैंक, फील्ड हैंड टूल्स, प्रेशर रेगुलेटर्स। रॉ मटेरियल, इस बिजनेस के लिए मुख्य तौर पर काउ डंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप आसपास के एग्रीकल्चरल लैंड या फार्मर से खरीद सकते हैं। प्रोसेस, सबसे पहले बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले काउ डंग को ट्रक से प्लांट में लाया जाता है, जिसके बाद रोड वेट की मदद से रॉ मटेरियल का वेट किया जाता है। वेट करने के बाद इस काउ डंग को स्लरी प्रिपरेशन टैंक में डाला जाता है। काउ डंग को डाइजेस्टर से निकाली हुई स्लरी और वाटर के साथ मिलाकर स्लरी टैंक में एजिटेटर्स की मदद से फीड स्लरी बनाई जाती है। फीड पिट्स में एजिटेटर्स और पंप्स होते हैं। पंप्स की मदद से फीड स्लरी को डाइजेस्टर तक पहुंचाया जाता है। डाइजेस्टर लगभग 5000 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी में बनाया जाता है। इसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन रूफ इंस्टॉल्ड होती है। डाइजेस्टर में 4 सबमर्सिबल एजिटेटर्स लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से हाई रेट बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है। साथ ही इसकी मदद से ऑर्गेनिक मैटर में यूनिफॉर्म बैक्टीरिया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे मिथेन का कंटेंट बायोगैस में ज्यादा रहता है। डाइजेस्टर में बने रूफ के थ्रू रॉ मटेरियल की सप्लाई प्यूरिफिकेशन सिस्टम में आती है। प्यूरिफिकेशन सिस्टम प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल के प्रिंसिपल पर काम करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेन गैस अलग कर ली जाती है। मिथेन गैस को मिथेन कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे सप्लाई किया जाता है। माय नेम इज संजय शर्मा, आई ऑपरेट अ कंपनी विद द नेम W2E इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। W2E actually stands for waste to energy. So as the name suggests, we are into the field of renewable energy, where we utilize the waste that we gather or we get on day-to-day basis and convert that waste into energy, which is source of energy as well as source of revenue. Marketing. बायो सीएनजी को आप ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग, होटल्स, किचन्स, मेस, हैंड टूल मैन्युफैक्चरिंग, फर्नेस एप्लीकेशन जैसे सेक्टर में सप्लाई कर सकते हैं। बायो सीएनजी का इस्तेमाल हीटिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। ये गैस नॉर्मल सीएनजी से सस्ती होती है और इसमें कोई वेस्टेज भी नहीं होता है। इसकी मार्केटिंग के लिए आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ ही आप ऑनलाइन मार्केटिंग करके भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बायोगैस इज वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एनर्जी जो कि हम अदरवाइज वेस्ट जाने देते हैं, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एनी ऑर्गेनिक वेस्ट विच इज डिस्कार्डेड बाय अस एज अ सोसाइटी एंड वी लेट इट रॉट, वी लेट इट गो वेस्ट, वेयर एज इट हैज गॉट अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ जनरेशन ऑफ यूजफुल एनर्जी. That energy can be fuel, that energy can be electricity, that energy can be direct utilization of gas into automobile fuel. So cow dung, like you said, cow dung is only one part of the big sphere of waste which can be used to generate biogas. However, why we correlate cow dung with biogas is because in India, traditionally, these biogas plants, small-size biogas plants, were called gobar gas plant. Manpower. 5000 cubic meter capacity ke fully automatic plant ke liye aapko lagbhag 10 se 12 manpower ki zarurat hogi, jisme 3 skilled, 7 se 8 unskilled aur 1 supervisor ho sakte hain. Electricity. 5000 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी के साथ इस बिजनेस के लिए आपको मिनिमम 100 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. इन्वेस्टमेंट. इस बिजनेस को 5000 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी के साथ स्टार्ट करने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी. इस इन्वेस्टमेंट में सिविल कंस्ट्रक्शन, मशीनरीज और वर्किंग कैपिटल इंक्लूड है. वही छोटे स्केल पर 1000 क्यूबिक मीटर का प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है. प्रॉफिटेबिलिटी. अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की. बायोगैस प्लांट प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट को दो टाइप से सेल किया जा सकता है. सेलिंग ऑफ मीथेन गैस टू गवर्नमेंट एट प्राइस फिक्स्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज या ओपन मार्केट पे सेल करके. जनरली बायोगैस में पर केजी अप्रोक्सीमेट 20% तक का मार्जिन अर्न कर सकते हैं. वही अगर हम अपने प्रोडक्ट को ओपन मार्केट में सेल करते हैं तो मार्केट रेट्स पर सेल करने से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं. लाइसेंस. PESO. CNG सिलेंडर्स PESO नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अप्रूव किए जाते हैं. लाइसेंस फ्रॉम फायर एंड पोल्यूशन बोर्ड. अगर आपको इस बिजनेस से जुड़ी किसी भी जानकारी की आवश्यकता है तो आप स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको किसी और सेक्टर से रिलेटेड या अन्य किसी बिजनेस प्लान के बारे में किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं.